हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है पोहा। चलिए देखते हैं कि हम पोहा कैसे बनाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो गाइस, मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, जो हमारी आंच है वो मीडियम फ्लेम है। तो सबसे पहले हम लेंगे मूंगफली या पीनट्स, इसको हम इसमें डाल देंगे और इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसको आपको हल्का हल्का ड्राई रोस्ट करना है, आप कर लीजिए। तो आप ये देख सकते हैं हमारे ये ड्राई रोस्ट हो चुके हैं, तो हम इसको निकाल लेंगे। कढ़ाई में अब ये अपना मस्टर्ड ऑयल कह दीजिए या सरसों का तेल, अब हम इसमें डाल देंगे। आपको 2 से 3 टेबलस्पून इसमें डालना है। सरसों के तेल को आपको अच्छे से गरम, तो हम इसको अच्छे से गरम कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं तेल हमारा गर्म हो चुका है। मैं जो आंच है वो सिम कर इसमें राई डाल दूंगी और ये हमारी कड़ी पत्ते हैं वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तेल हमारा बहुत अच्छे से गर्म है। अब हम इसमें ये मैंने आलू है छोटे छोटे आकार में काटे हैं, आप चाहे तो किसी भी आकार में काट सकते हैं, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये 2 से 3 छोटे आंच के आलू हैं। ये 2 से 3 आलू काट के रखे थे मैंने, वो मैंने इसमें डाल दिए। अब हम इसमें प्याज भी डाल देंगे। आलू और प्याज हम साथ ही में फ्राई करेंगे। आंच को तेज कर देंगे अब हम। जब तक ये आलू प्याज हमारे फ्राई हो रहे हैं, मैंने एक बाउल ले लिया है। अब ये बाउल ले लिया है मैंने, अब इसमें हम अपना पोहा डाल देंगे। तो ये पोहे को मैंने पानी में सोक कर लिया है, अब इसका हम एक्स्ट्रा वाटर निकाल लेंगे, आपको अच्छे से वॉश कर लेना है। तो ये मैंने पोहे को धो दिया है, मैंने इसका एक्सेस वाटर के लिए ऐसे रख दिया है, इससे जो भी एक्सेस वाटर होगा वो इससे निकल जाए। अब आप देख सकते हैं ये हमारे आलू प्याज अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो मैंने फ्रोजन मटर लिए हैं, आप कुछ चाहे तो जो नॉर्मल मटर होते हैं वो भी डाल सकते हैं, पर उसको गले में फ्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है, ये बहुत जल्दी हो जाएंगे। अब मैं इनको ऐड कर देती हूँ। ये फ्रोजन है तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। इसको 2 से 3 मिनट तक मैं फ्राई कर लूंगी। मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी हल्दी डाल रही हूँ, तो सबसे पहले हम इसमें हल्दी डाल देंगे। धनिया पाउडर,
लाल मिर्च डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब हम इन सबको मिला लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं अब ये रेडी है। अब इसमें हमने जो अपना पोहा सोक करके डाला था, सोक करने के लिए रखा था, अब वो हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी आप इसमें ऐड करते रहिए। ये पोहा हमारा अच्छे से ड्राई हो चुका है, अब हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं। तो हमने इसमें पोहा डाल दिया है, अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। हल्के हल्के हाथों से आप इसको अच्छे से मिला लेंगे। मैंने गैस ऑफ कर दिया और इसे अच्छे से मिला लिया है और अब ये रेडी है हमें सर्व करने के लिए। तो ये देखते हैं, प्लेट पे निकाल लिया है। ये जो हमने मूंगफली जो थी ड्राई रोस्ट करी थी, इसको हम इसके ऊपर अच्छे से गार्निश कर देंगे। साथ में नमकीन डाल देंगे ऊपर। ये देख सकते हैं हमारा पोहा बनकर तैयार हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्रेस द बेल आइकन एंड डू शेयर विद योर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।